इन इलास्टिक कोलिजन का पहला एग्जांपल, सपोज आपके पास कोई मास है एम, ये थ्योरी नहीं है, सीधा न्यूमेरिकल्स हैं, एम, दूसरा आइडेंटिकल मास है एम, आइडेंटिकल मास है एम, ये मास किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट पड़ा हुआ है, और ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ यू, ठीक, विद द वेलोसिटी ऑफ यू, इनकी कोलिजन होती है, और जब भी इन इलास्टिक कोलिजन आएगा उसमें रेस्टिट्यूशन तो पक्का गिवन ही होगा, क्योंकि रेस्टिट्यूशन के बिना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें ई तो चाहिए होता है। तो मान लो मैंने आपको ई भी दे दिया, क्वेश्चन है फाइंड फाइनल वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू, ये क्वेश्चन है, वी वन वी टू निकालो क्या होगा, तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी वी वन है और सेकेंड की वेलोसिटी कितनी है, वी टू है, आपको वी वन और वी टू निकालना है, ये क्वेश्चन है। कितने लोग ये बोलते हैं मास आइडेंटिकल है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, हाँ या ना, बोलते हैं, वो भूल गए, वो तो इलास्टिक कोलिजन का रिजल्ट है और ये इन इलास्टिक है, बिल्कुल भी मत लगाना, सिर्फ इलास्टिक में लगाना, इलास्टिक में वेलोसिटीज एक्सचेंज होती हैं, इन इलास्टिक में नहीं होती। अब शुरू करो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्टिट्यूशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में आप पहली इक्वेशन बनाएंगे एम यू प्लस जीरो इज एम इंटू वी वन एम इंटू वी टू, एम 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 कैंसल, वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू कितना, यू, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे, रेस्टिट्यूशन, वी टू माइनस वी वन यू वन माइनस यू टू, लेकिन यू टू क्या रहेगा, रेस्ट पे, ये देखो सेकेंड बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, तो यू टू की वैल्यू क्या होगी इसमें, जीरो, यू वन की वैल्यू क्या होगी इसमें, यू, तो पुट करो ई इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाई यू माइनस जीरो, यहाँ से वी टू माइनस वी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इंटू यू, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इन्हें सॉल्व करें, वी वन वी टू की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ यू, तो दो इक्वेशन लिख लें, पहली इक्वेशन लिख लें कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू यू, और इसके साथ दूसरी इक्वेशन v2 माइनस v1 इज e इंटू यू, इन्हें सॉल्व करेंगे तो v1 से v1 कैंसल, 2v2 इज इक्वल टू यू कॉमन 1 प्लस e, तो v2 की वैल्यू आ गई u इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 2, ठीक, तो ये आंसर आ गया, नोट करें। और v2 को किसी भी ऊपर इक्वेशन में पुट करके v1 निकालें, बोलो v1 क्या आ रहा है, वन माइनस ई की ई माइनस वन, वन माइनस ई, यही आ रहा है, चेक करो v2 को ऊपर पुट करो कहीं पर भी और v1 सॉल्व करो, ये आंसर आ रहा है, वेरीफाई करके बताओ प्लीज। ठीक है, ये ना सोचें कि ओरली सर ओरल करते हैं, हम भी ओरल करेंगे, मैंने सुबह के बैच में सॉल्व किए इसलिए याद है, कहीं सोचो कि मेरे को याद पड़े, मेरे को कुछ याद नहीं है, अगर सुबह का बैच ना होता तो मैं लिख ना पाता, कहीं आप भी यही सोचें कि मैं भी यही पावर, मैं भी ऐसी ऐसी मेरे से भी होते नहीं है, मैं ठीक स्टूडेंट नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, सुबह मैंने भी सॉल्व ही किया है। तो ये वी टू वी वन आ गया, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा फाइंड वी वन इज टू वी टू, कई बार पूछ सकता है वी वन वी टू की वैल्यू निकालें, रेशियो निकाल देना आंसर, वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई। मेथड नंबर वन क्लियर है, इन इलास्टिक कोलिजन का क्या सोल्यूशन है समझ में आता है, और कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्टिट्यूशन लगाएंगे आंसर आएगा, ठीक है। वो इलास्टिक में है सिर्फ, ठीक, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, सपोज लिखो, ये हमने किया भी था लास्ट टाइम, क्या कि अगर एक बॉल v वेलोसिटी से इसको हिट करती है ग्राउंड को और रेस्टिट्यूशन कितना है e, तो टक्कर मारने के बाद इसकी वेलोसिटी कितने टाइम हो जाएगी e टाइम, ये हमने डिस्कस किया था, याद है ये केस हमने किया था, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, और अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होता तो e क्या हो जाता, वन,
तो तीन से आया, तीन से गया, सही तो है। E1 में सेम वेलोसिटी से ही उसने रिबाउंड कर जाना था, बात ही खत्म हो गई। E1 ये ही नहीं, अगर एक वॉल है, दीवार है, दीवार के साथ ये 3 मीटर पर सेकेंड के साथ हिट कर रही है और रेस्टिट्यूशन आपको 1/2 गिवन है, टक्कर के बाद जो वेलोसिटी है E × 3 हो जाएगी, 1/2 × 3 हो जाएगी, इतने मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो ये शॉर्टकट क्लियर है, कैसे करना है मैंने रेस्टिट्यूशन से सिखाया था पिछली बार, पर उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, आपसे कोई पूछेगा नहीं कैसे हुआ, आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, बात हो गई खत्म। हाँ वो तो ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्क कर लेना, मैं तो एरो ड्रॉ कर दिया ना, एरो मीन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जहाँ एरो नहीं है वहाँ नेगेटिव। तो जैसे अगर मेरे को लिखना है V1 की वैल्यू कितनी है, -3/2, क्योंकि इसमें एरो नहीं है ना तो मैं डायरेक्शन बता नहीं पा रहा, तो डायरेक्शन के लिए फिर मुझे माइनस लगाना पड़ता है, अदरवाइज एरो है तो जरूरत ही नहीं है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट नोट करें फिर। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर आपके पास ये एक ग्राउंड है, मान लें ये ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट को आपने h हाइट से रिलीज किया, ये लो ये हाइट h है, u = 0, ठीक, रेस्टिट्यूशन e है, यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन है, टक्कर में एनर्जी का लॉस तो है ही है। जब ये बॉल वापस टक्कर खा के जाएगी तो ये h हाइट कभी भी अटेन नहीं कर पाएगी। तो ये मान लो कितनी हाइट अटेन किया इसने, h डैश, आपको निकालना है h डैश इन टर्म्स ऑफ h, h और h डैश का क्या रिलेशन होगा e की टर्म में, ये क्वेश्चन है। पहले मुझे एक चीज़ का आंसर दें कि जब ये नीचे गिरी तो कितनी वेलोसिटी से इसने हिट किया ग्राउंड को, अंडर रूट ऑफ 2gh, v² - u² 2gh करके वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट इसमें? तो अगर एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से हमने इसको रिलीज किया, इसने ग्राउंड को हिट किया, ग्राउंड को जब हिट किया तो अंडर रूट ऑफ 2gh से हिट किया, कोई डाउट? आगे अब क्या हुआ, जब ये वापस जाएगी टक्कर खा के, कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी टक्कर खा के? सही, e × √2gh, अभी तो किया शॉर्टकट कि अगर ये हिट कर रही है √2gh के साथ तो वापस जाने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh को किससे मल्टीप्लाई करना है, e से, कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नहीं, मैंने अभी मैग्नीट्यूड ही लिया है। देखो माइनस कब लगता है, चलिए बता देता हूं, माइनस तब लगता है अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है बॉल की रिबाउंड करने की, और आप मुझे न्यूमेरिकली बोलें v1 = what, तो मैं माइनस लगा के आंसर दूंगा। लेकिन जब मैं एरो लगा रहा हूं ऊपर जाने की, तो यहां पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, यहां पर तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऊपर का वेक्टर e × √2gh है, दैट्स इट, जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है? वो तो v1 v2 के जब फॉर्मूला लगते हैं ना, या मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है तब उसमें लगाना होता है, क्योंकि जब हम इक्वेशन बना रहे हैं मैथ्स की उसमें एरोज नहीं है, उसमें फिर प्लस माइनस से पता लगता है कि ऊपर है या नीचे है। तो ये क्लियर है। तो एच डैश की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहां पर जब अपना मोशन का चैप्टर लगाएं, v² - u² फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 2 × −g × h-, सही है? तो v² - u² 2gh, यहां से -e² × 2gh इज -2g h - -2g 2g कैंसल, h डैश की वैल्यू कितनी आ गई, e² × h आपके सामने। सही, तो फिर एक शॉर्टकट नोट कर लें सीधा, आज के बाद जब ये पेपर में आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, ये बिल्कुल भी मत लगाने बैठ जाना, ये किसी काम का नहीं है रिजल्ट, ये तो बताने के लिए है। तो शॉर्टकट ये है, पहली बार जब बॉल नीचे आएगी h हाइट पर आएगी, दूसरी हाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, e² टाइम्स हो जाएगी, तीसरी हाइट क्या होगी, हर रिजल्ट को e² से मल्टीप्लाई करते जाओ, पहली हाइट अगर h है तो e² e की पावर 4h, नेक्स्ट हाइट क्या क्या होगी,
ई की पावर 6h, और nth हाइट क्या होगी, ई की पावर 2n इंटू h. तो लिख ले एच डैश इज ई की पावर 2n इंटू h. ये हाइट का एक शॉर्टकट है जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा. तो इसका मतलब पहला शॉर्टकट क्या है, पहला शॉर्टकट है वेलोसिटी कितने टाइम हो जाती है, ई टाइम. हाइट कितने टाइम हो जाती है, ई स्क्वायर टाइम. जितनी बार भी वो राउंड, जितने राउंड में वो हिट करती जाएगी उतना ही जो वेलोसिटी है ई स्क्वायर टाइम मल्टीप्लाई करते जाना. सही है शॉर्टकट, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा. तो वेलोसिटी ई टाइम, हाइट ई स्क्वायर टाइम. कोई डाउट इसमें? ये जहां जिस क्वेश्चन में ई आ गया वो इनइलास्टिक है. बात ही खत्म हो गई. इलास्टिक में तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना. बोलो इलास्टिक में रिजल्ट क्या आएगा? सेम हो जाएगा. ई को वन पुट करते जाओ, पहली हाइट क्या है एच, दूसरी क्या है एच, तीसरी क्या है एच, चौथी क्या है एच. एनर्जी लॉस ही नहीं है ना, तो हाइट विल रिमेन सेम. इलास्टिक कोलिजन में ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा ही नहीं, इन इलास्टिक में पूछेगा. वहां हाइट चेंज होती है. सही है? क्या ये शॉर्टकट क्लियर है यहां तक? ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो. सपोज ये ग्राउंड रेस्टिट्यूशन ई. मान लो आपने एक बॉडी को यहां से घेरा. जो बॉडी को आपने यहां से घेरा तो आपको यू इज इक्वल टू जीरो, बॉडी एच डिस्टेंस नीचे गिरी, और टाइम टेकर नीचे गिरने का टी, टाइम टेकन नीचे गिरने का टी. अब दूसरे केस में अब होगा क्या सोचो. जब ये बॉल नीचे गिरेगी, नीचे गिर गई, कितने वेलोसिटी से, अंडर रूट ऑफ 2gh से नीचे गिरी. अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगी कितनी वेलोसिटी से, e इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh से, और ये कुछ हाइट अटेन करेगी. ये देखो हाइट, हाँ ठीक है, ई स्क्वायर एच, सही है. तो ये ई स्क्वायर एच हाइट अटेन करेगी. ऐसे किया अभी हमने. अब क्या होगा, ये बॉल अब फिर से नीचे गिरेगी. अब जब ये बॉल नीचे गिरेगी वापस से, देखो एक बार ऐसे करके ऐसे जाएगी, अब इसी हाइट से नीचे गिरेगी, नीचे गिरने का टाइम अब क्या है, टी डैश. नीचे गिरने का टाइम टी डैश. आपको टी डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ टी. ई इंटू टी, ई टाइम्स, सही है. तो आप इक्वेशन नंबर वन फर्स्ट बॉल में निकालना h इज इक्वल टू, ये केस नंबर वन है ना, तो h इज इक्वल टू लगाना जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर. t की वैल्यू कितनी है, टू एच बाई जी का अंडर रूट. कोई डाउट इसमें? ये t की वैल्यू आ गई. ठीक है, पहला टाइम आ गया. दूसरा टाइम केस नंबर टू. अब कितनी हाइट नीचे गिरना है बॉल को ये बताओ. ई स्क्वायर एच, ये देख रहे हो बॉल को कितने डिस्टेंस नीचे गिरना है, ई स्क्वायर एच. तो दूसरे केस में ई स्क्वायर एच इज जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी डैश का स्क्वायर. तो टी डैश की वैल्यू टू ई स्क्वायर एच बाय जी का अंडर रूट. इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू. एच की जगह ई को एच कर दिया ना. तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन को डिवाइड कर देते हैं. तो टी डैश की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, टी डैश की वैल्यू रादर यहां से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ी सी. टी डैश की वैल्यू के लिए एक काम करो, ई को बाहर निकाल लो, क्या बचा, टू एच बाय जी. तो ई इंटू अंडर रूट ऑफ टू एच बाय जी, और टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ टू एच बाय जी, कैंसल. टी डैश की वैल्यू क्या आएगी, ई इंटू टी. तो यानी कि जो सेकेंड बार जो टाइम होगा वो पहले टाइम से ई टाइम्स ज्यादा ज्यादा होगा. ऑब्जेक्टिव में थोड़ी ना इतना समय करने का, सीधा शॉर्टकट मारेंगे. तो अगला टाइम क्या होगा, ई टाइम हो जाएगा.
सही। तो इसका मतलब इसका शॉर्टकट कुछ ऐसा बना, देखो इसका शॉर्टकट ऐसे बनेगा कि अगर मान लो पहला टाइम, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम, nth टाइम, तो पहला टाइम जब ये बॉडी नीचे गिरी तो t टाइम है, रेस्टिट्यूशन e है। दूसरा टाइम जब ये बॉडी नीचे गिरेगी, दूसरे टाइम में जब यही बॉडी नीचे गिरेगी तो e इंटू टी, तीसरे टाइम में e स्क्वायर इंटू टी, करते करते e की पावर n इंटू, तो nth टाइम में e की पावर n इंटू टी इज द आंसर।